हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है मैजिक शॉप। एंड आज का जो मूवी है उसकी नाम है हेरिडेटरी। 2018 की मूवी है, हॉरर ड्रामा मूवी है और बहुत ही अच्छी है। इसकी रेटिंग जो IMDb पे है 7.3/10 है। रोटन टोमेटोज पे मूवी 89% फ्रेश है। मेटाक्रिटिक रेट इसकी है 87% और 73% गूगल यूजर्स काफ़ी इसको लाइक किया है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन है आपको पसंद आएगा, बट उससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके कोशिश कमेंट्स करिए एंड कीप वॉचिंग कीप स्माइलिंग। मूवी के फर्स्ट सीन देखते हैं एक मिनी हाउस दिखाया जाता है, जैसा हमको डॉल हाउस है पर डॉल हाउस नहीं होती है। उसमें एक फैमिली रहती है और उस फैमिली के सबसे एल्डर जो सदस्य होती हैं उनका डेथ हो चुकी होती है। उनका सभी फैमिली मेम्बर जाके उनका फ्यूनरल अटेंड करने जाते हैं और जो मरी हुई लेडी थी उनका नाम था एलन और उनकी बेटी थी उस फैमिली में और उस बेटी एनी जो उसकी बेटी थी, स्टीव जो उसकी बेटी का पति था, इनका बेटा पीटर, इनकी बेटी चार्ली। मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो उनकी बेटी होती है चार्ली, वो थोड़ी अजीब होती है, थोड़ी वियर्ड बिहेव करती है। वो दिखने में नॉर्मल होती है बट उसे कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका और फिर वो रात को टेंट ट्री हाउस में जाकर सोना, वो चीज़ें थोड़ी सी वियर्ड लगती हैं हमको स्टार्टिंग में। फिर हम देखते हैं जब वो अपनी ग्रैंड माँ के फ्यूनरल में होती है, वो वहाँ पर कुछ साउंड निकालती है, कुछ ड्राॅइंग कर रही होती है जीप से और वहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं ऐसे जो उनको कभी देखा भी नहीं गया होता है। वहाँ हम देखते हैं कि एनल और एनी दोनों के गले में एक लॉकेट होती है जो अजीब सा सिंबल होता बनाता है उसमें कुछ, और दोनों ने वो लॉकेट पहना होता है। और वहाँ हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे होते हैं अनजान लोग जिनको कभी देखा नहीं गया होता है, बट उसमें से एक आदमी ऐसा होता है जो देख के चार्ली को बहुत अच्छे से स्माइल कराता है, जैसे वो बहुत टाइम से जानता है उसको। जो एनी होती है वो एक मिनी क्रिएचर आर्टिस्ट होती है। उसका जो बेटा होता है वो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है बट वो कॉलेज के अलावा सब कुछ करता होता है, जैसे स्मोकिंग करना और सारे बैड हैबिट्स। और वहीं देखते हैं उसका जो हस्बैंड होता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है इन सब में से, और जो उसकी बेटी होती है चार्ली वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होती है क्योंकि उसका कपड़े पहनने का तरीका और उससे बहुत चीज़ें होती थी, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, वो बहुत ही अजीब था। फिर हम देखते हैं रात का समय होता है जहाँ पे एनी अपनी बेटी से बात करी होती है। उसकी बेटी उससे पूछती है कि मुझे ग्रैंडमा बहुत प्यार करती थी, अब वो नहीं है, मुझसे कौन प्यार करेगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा। इस पर उसकी माँ बोलती है मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। फिर बोलती है चार्ली कि आप मर जाओगे फिर मैं ध्यान कौन रखेगा। इस पर उसकी जो माँ होती है थोड़ी सी पकाती है, फिर वो बोलती है तुम्हारा भाई तुम्हारा ध्यान रखेगा। और वही हम देखते हैं चार्ली बोलती है कि ग्रैंडमा को तो लड़का चाहिए था, मैं तो लड़की हूँ। उसकी माँ उसको सोने के लिए बोलती है, वहाँ चली जाती है। फिर देखते हैं चार्ली सो जाती है, उसकी माँ जाती है कुछ स्टोर रूम में, वहाँ कुछ डायरीज पड़ी होती हैं जो उसकी माँ की होती हैं, उन्हें कुछ खोलती है पढ़ती है और उस नोट में लिखा होता है, उसमें डायरी में लिखा होता है कि जितने मैंने सेक्रीफाइस किए हैं उनका मुझे फल ज़रूर मिलेगा। तभी हम देखते हैं एनी जैसे डायरी बंद करती, लाइट बंद करती, रूम से बाहर निकल लेती, उसको उसकी माँ की शैडो दिखती है। फिर वो वापस से उसको कन्फर्म करती है वहाँ कोई शैडो नहीं होती, वहाँ चली जाती है वो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि चार्ली जाती है स्कूल में, अपने क्लास में बैठी होती है, बाकी सब बच्चे वहाँ बैठे होते हैं। इतने में वहाँ एक पिजन आता है, उसे क्लास के विंडो से टकराता है और नीचे गिर जाता है, दैट मीन्स कि मर जाता है। फिर देखते हैं चार्ली नीचे आती है थोड़ी देर से, आने के बाद में पिजन को देखती है और अपने पॉकेट से निकालती है सीजर और उस पिजन का मुंडी काट देती है। फिर देखते हैं चार्ली ने उस मुंडी को अपने पॉकेट में रख लिया होता है और स्कूल के कैंपस में ही होती है उस टाइम वो, और तभी देखते हैं स्कूल के कैंपस के बाहर से कोई लेडी होती है जो उसको देख रही होती है और चार्ली भी उसको देख रही होती है। यहाँ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं घर का सीन जहाँ पे एलन का रूम पूरी फैमिली मिलकर बंद कर देते हैं एंड वहाँ पर कुछ सिम्बल्स बने होते हैं। फिर देखते हैं स्टीव कॉल आता है और उसमें एक आदमी बोलता है कि किसी ने एलन की कब्र को खोद के उसकी डेड बॉडी चुरा ली होती है और जो स्टीव होता है ये बातें अपनी फैमिली को नहीं बताता क्योंकि वो पैनिक हो जाएंगे। वहीं देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि जो एनी होती है वो अपने हस्बैंड को झूठ बोलती है और जाती है ग्रीफ शेयरिंग सेशन में जाती है जहाँ पर अपने माँ के बारे में वो अजीब बातें बहुत लोग से बताती है और वो भी अपनी कुछ कुछ बातें डिस्कस करते हैं। जैसे वहाँ बोलती है कि मेरी माँ थोड़ी सी अजीब सी पागल सी थी, उनको जितने भी मेल थे उनको देख के उनके अंदर में कुछ ऐसा वो करती थी, मंत्र मारती थी, ऐसा कुछ भी बोलती थी वो, कि जिससे वो सारे आदमी जो थे वो उनके बस में हो जाते थे। साथ में बोलती है वो कि मेरी माँ जो है वो शुरू से मेरे भाई को हमेशा ही परेशान करती थी कि उनके अंदर किसी और की आत्मा डालेगी वो, इसलिए मेरे भाई ने बहुत टाइम पहले ही जब वो 16 ईयर्स था उसने खुदकुशी कर लिया था। और वो भी बोलती है कि जब मेरा बेटा हुआ था पहला बेटा तो मैंने उसको कभी भी अपनी मॉम को टच नहीं करने दिया था, ना ही उसको कभी अलाउ किया तो मेरी मॉम के पास जाने के लिए। फिर सेकंड जब मेरी बेटी चार्ली हुई तब उसको मैंने अलाउ किया जाने के लिए, और शायद यही रीज़न है कि मेरी बेटी आज अब नॉर्मल है। फिर देखते हैं घर का सीन जहाँ पे चार्ली होती है घर के अंदर और उसको जहाँ से लाइट दिखती है वो लाइट को फॉलो करती है, देखती है वहाँ पे एक आदमी दिखता है उसको जो पूरी आग के बीच में बैठा होता है और कुछ वो अजीब सा कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एनी आती है उसको वहाँ से खींच के घर के अंदर लेके आती है।
फिर देखते हैं पीटर को कॉल आता है उसके फ्रेंड्स का कि एक पार्टी के लिए बुलाते हैं उसको, तो वहाँ उसकी माँ जो होती है वो बोलती है तो अपनी बहन को भी लेके जाओ, अपनी बहन को लेके जाता है, बट वहाँ होता ये है कि उसका भाई जो होता है वो स्मोकिंग में लग जाता है, अपने फ्रेंड के साथ लग जाता है बात करने में, भूल जाता है अपनी बहन को, और उसकी बहन वहाँ पर केक खा लेती है जिसमें नट्स होते हैं जिससे कि उसको एलर्जी होती है नट्स से। वो आमंड का केक खाने से वजह से उसको होता है कि उसको एलर्जी होने लगती है, उसको चोक करने लगती है, ब्रीथिंग नहीं हो पाती पूरी तरह से। उसका जो भाई होता है पीटर उसको लेकर जाता है हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए ट्राई करता है, जा रहा होता है तभी उस चैनल में उसको दिखता है रास्ते में कोई एक जानवर होता है जो मरा होता है, वो टर्न लेता है उसको बचाने के लिए जानवर को, तभी वहाँ पर एक पोल होता है जिससे कि चार्ली जो थी वो अपना हेड बाहर रखती है ताकि वो आराम से ब्रीथ कर सके, और उसका हेड वो पोल से टकराता है और चार्ली वहीं मर जाती है। दैट मीन्स उसका हेड जो था वो बाहर ही गिर जाता है कार से और वो कार लेकर घर आ जाता है उसका भाई। हम देखते हैं कि पीटर आता है घर पे, नॉर्मली सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं होता है। उसकी मॉम जो देखती है नेक्स्ट मॉर्निंग उनको तो पता चलता है कि अब चार्ली ने नहीं रही है, बहुत सैड होती हैं, बहुत रोती हैं। एम फिर देखते हैं उनका फ्यूनरल होता है चार्ली का, वहाँ पे उसकी मॉम बहुत रोती हैं। दिखाते हैं कि एक सीन में पीटर जो होता है वो स्मोक कर रहा होता है, उसे कुछ विजन्स आते हैं। वहीं हम देखते हैं चार्ली की मॉम कुछ ज़्यादा सोच नहीं होती कि जाके वापस से उस स्टेशन अटेंड करें जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स सबको बता सकती हैं, शेयर कर सकती हैं, पर वो जाती है वहाँ पर मेन रोड पे होके उनका मन बदल जाता है, वापस आने लगती हैं घर पे वो। फिर देखते हैं वहीं पे कि एक लेडी होती है जिसका नाम होता है ज्वाला, वाके उनको मिलती है, बात करती है, उनको बोलती है कि मैंने अपने सन और ग्रैंडसन को खोया है और मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। ये सुनने के बाद में वहाँ पे रहती है यानी जो वहाँ पे जाती है उनकी बात सुनती है और वहाँ से जाती है कि हाँ मैं तुम्हारे पास कभी ज़रूर आऊँगी। देखती है फिर वहाँ जाती भी है घर पे उनके, जाके वहाँ पे उनके घर पे मिलती है, वहाँ देखती है घर पे एक डोरमेट होता है जैसा सेम डोरमेट उसकी मॉम भी बनाया करती थी। वहीं देखते हैं कि जाके घर में बैठती है, बातें करती है और अपनी फीलिंग भी शेयर करती है कि बहुत टाइम पहले मुझे नींद में चलने की बीमारी थी और एक बार मैंने अपने बेटे को जान से मैंने कोशिश की थी और एंड टाइम मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कि मैं मेरे बेटे को मार रही हूँ, इसलिए मेरा बेटा मुझसे बहुत डरता है और बहुत डरा हुआ रहता है, सोचता है कि मेरी मुझे मार डालेंगे, इसलिए मुझसे बहुत ही कटा हुआ रहता है। ये सब सुनने के बाद में देखते हैं वहाँ पे ज्वाला से बात करके वो वापस घर जाती है अपने, और वहाँ जाके वो लोग अब जो एनी होती है वो एक स्टैचू बनाती है पूरी, जैसे सीन जैसा उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, जैसे उसकी बेटी मरी थी, वो सब कुछ सीन तैयार करती डिट्टो ही, जिसको देख के उसके हस्बैंड काफ़ी गुस्सा करते हैं, उनको अच्छा फील नहीं होता है। वहीं देखते हैं शाम को सब डिनर कर रहे होते हैं, वहाँ पे दोनों एनी और पीटर के बीच में बहस होती है, दोनों को ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से चाली हमारे बीच नहीं होती है आज, तुमने हमेशा ऐसे कपड़े मांगे करते हो इसलिए चाली यहाँ पे नहीं है, तुम्हें बात नहीं सुनते हो। और वहीं देखते हैं पीटर बोलता है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि आपने उसको फोर्स से जाने के लिए मेरे साथ में, उन दोनों को शांत करता है उनका हस्बैंड और शांत करके वहाँ पर डिनर खत्म करते हैं अपना। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एनी होती है जाती है शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट में, वहाँ उसको वही लेडी मिलती है ज्वाला और उसको लेके जाती है अपने घर पे। वहाँ देखते हैं वो बड़ी चलाके दिखाती है उसको कि मैंने एक सियांसी की प्रक्रिया करके मैं अपने ग्रैंड सन से मैंने कॉन्टैक्ट किया है और उसको दिखाती भी है उसके मूवमेंट होने का वहाँ पे, जिससे एनी काफ़ी डर जाती है, बट जो ज्वाला होती है उसको बोलती है तुम अपनी बेटी से भी कॉन्टैक्ट कर सकती हो, या तुम्हें कुछ नहीं काम करना, सारी उसको बताती है प्रोसेस तुम्हें कैसे करना है और वो चली जाती है वहाँ से। फिर हम देखते हैं एनी घर पे आती है और वो सो जाती है, उसको देखते हैं कि वो नींद में जा रही होती है, जाके देखती है पीटर के फेस पे बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं एंड वहाँ पे एनी खड़ी होती है और वहाँ पे देखते हैं कि उनके बीच बातें भी हो रही होती हैं। पीटर उनको पूछता है तुम आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, उस टाइम पे जो होती है एनी बोलती है मुझे तुम चाहिए नहीं थे, मुझे तो मेरी माँ ने जबरदस्ती फोर्स करके तुमको होने के लिए बोला, मैंने अपना मिसकैरेज का भी ट्राई किया पर वो सब भी नहीं हुआ और तुम सर्वाइव करके तुम यहाँ पे हो, मेरे को तुम नहीं चाहिए था, सब उसकी माँ बोलती है उसको और तभी उनकी आँख खुलती है और उनको पता चलता है ये सब कुछ सपना था। तभी देखते हैं वो अपने हस्बैंड और पीटर को लेके आती है हॉल में और वो सियांसी की प्रक्रिया करती ताकि वो चार्ली से बात कर सके। फिर हम देखते हैं जैसे प्रक्रिया स्टार्ट होती है कैंडल्स जलने लगती हैं, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, आवाज़ें आनी, उड़ना, हवाएं चलना और साथ ही में जो होता है कि जो एनी होती है वो चार्ली के बारे में बात करने लगती है। तभी देखते हैं कि जो पीटर होता है काफ़ी डर जाता है चीज़ें देख के और तभी जो एनी का हस्बैंड होता है वो उसके मुँह में पानी फेंकता है और वह सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। और अजीब बात यह होती है कि एनी का कुछ भी याद नहीं होता उसने क्या किया है और वो सब चीज़ें क्या हुई हैं, क्योंकि शायद एनी के अंदर चार्ली की आत्मा आ चुकी होती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट डे जो एनी होती है काफ़ी गुस्से में होती है, फ्रस्ट्रेट होती है और अपनी जितनी भी उसने क्रिएशंस की थी उसने सबको तोड़ दिया होता है। फिर हम देखते हैं एक नोटबुक होती है जो चार्ली की होती है, उसमें बहुत सारी स्केचेस बन रही थी पीटर की और वो बहुत ही अजीब सी वियर्स थी सारी स्केचेस। फिर हम देखते हैं पीटर को जो अपने क्लासरूम में होता है और उसकी नज़र पड़ती है उसके रिफ्लेक्शन के ऊपर, जो एक वहाँ पे कांच होता है उसके ऊपर जाता है और वो रिफ्लेक्शन उसके फेस से उसके एक्सप्रेशन से बिल्कुल अपोजिट था। फिर देखते हैं घर का सीन जहाँ पे एनी होती है उस बुक को जलाने की कोशिश करती है जिसमें ड्राइंग बन रही थी, पर वो जैसे बुक जलाती है उसकी बॉडी में भी आग लग जाती है, तो इसलिए उसको बुक को आग को बुझाना पड़ता है।
फिल्म देखते हैं एनी को जाती है वो ज्वाला से मिलने के लिए कुछ सवालों का जवाब लेने के लिए, पर वहाँ पे ज्वाला नहीं होती है और वहाँ पीटर की फोटो होती है जिसपे कुछ अजीब से सिंबल्स बने होते हैं जिसको देख के काफ़ी शॉक्ड होती है। और वो फिर देखती है डोरमेट जो उसकी माँ के पास भी वैसे ही डोरमेट होते थे। वो फिर वापस घर आती है और अपनी माँ का जो बॉक्स था वो खोलती है, उसमें से वो डोरमेट निकालती है। एनी की उसी बॉक्स में ऐसे बहुत सारे डोरमेट रखे होते हैं और तभी देखती है वहाँ पे कि एक फोटो एल्बम होता है जिसमें एल्बम में उसकी मॉम और वो ज्वाला दोनों एक साथ में फोटो एल्बम में थे। दैट मीन्स कि जो ज्वाला है वो उसकी माँ का प्लान है। और फिर हम देखते हैं वहाँ एक बुक होती है जो तांत्रिक विद्याओं की बुक होती है, इसको पढ़ती है एनी और उसको पता चलता है कि जो उसकी मॉम थी वो अपनी बेटी दैट मीन्स कि एनी के भाई के अंदर कोई एक आत्मा लाना चाहती थी जिसका नाम था पीमॉन, जिससे उसका भाई काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसने सुसाइड किया था और अब वही काम वो यहाँ पर भी कर रही थी। पैमोन की जो आत्मा थी वो एक मेल बॉडी को ही बिलोंग करती थी, बट उसकी जो ग्रानी थी उन्होंने चीज़ को समझा नहीं और उन्होंने वो मेल आत्मा को उन्होंने चार्ली की बॉडी में डाल दिया, जिससे कि चार्ली अजीब बिहेव करती थी और वो थोड़ी बियर्ड भी थी। फिर देखते हैं हम कि जो उसकी ग्रानी थी उन्होंने बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग की थी अपने मरने के पहले, उन्होंने सब कुछ प्लान कर गई थी वो कि कैसे पैमोन की आत्मा को डालना है पीटर के अंदर में, क्योंकि उनका फर्स्ट एंड फॉल उनका पूरा फोकस था पीटर के ऊपर ही था उनका। तो उन्होंने ज्वाला के थ्रू सब कुछ प्लान किया था कि कैसे तुम मेरी बेटी से ही सब चीज़ें करवाओगी और मैं मर जाऊंगी तो तुम ये सब चीज़ें तुमको करने में आसानी होगी उसको कन्विंस करने में, दैट मीन्स ऑल द सियांसेस प्रक्रिया एवरीथिंग। और वहाँ हम देखते हैं कि जो एनी होती है जाती है अपने ऊपर रूम में चेक करती है, वहाँ पे उसकी माँ की डेड बॉडी वहाँ होती है और उसकी डेड बॉडी में वहाँ मुंडी नहीं होती है क्योंकि जो भी कल्ट के लोग होते हैं वो उन्होंने मुंडी काट के जो भी प्रक्रिया होती है वो कर ली होती है और वहाँ पे बॉडी छोड़ दी होती है और उसी के ब्लड से वहाँ पे पैमोन का सिंबल बना हुआ होता है। फिर हम देखते हैं ये जो पैमोन का सिंबल है ये हर जगह ही होता है, डोरमेट्स में, लॉकेट्स में, हर जगह होता है। तभी देखते हैं सीन चेंज होता है और जाता है पीटर के ऊपर में, वो कॉलेज में होता है अपने और उसका जो रिफ्लेक्शन था वो बार बार उसको दिख रहा था, काफ़ी परेशान कर रहा था। और तभी देखते हैं कि उसको वो साउंड सुनाई पड़ता है जो चार्ली निकाला करती थी और तभी देखते हैं वहाँ पे कि उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है और अपना फेस को बार बार वो डेस्क पे मारता है जिससे उसका नाक टूट जाता है, वहाँ बहुत सारी ब्लीडिंग होती है और उसके फादर को बुलाया जाता है उसको घर जाने के लिए। फिर हम देखते हैं लोग घर पहुंच चुके होते हैं और एनी जो होती है अपने हस्बैंड को पूरी बात बताती है कि ऐसी चीज़ें मेरी माँ ने की हैं, ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, इनका इफेक्ट क्या होने वाला है, दैट मीन्स पैमोन और सब चीज़ों के बारे में। और वो बोलती है अगर ये डायरी जला देंगे हम लोग तो फिर सब कुछ सब ठीक हो जाएगा और अगर जल जाएगी बैड डायरी तो मैं भी जल जाऊँगी तो इसको मैं जलाऊँगी, दोनों बीच बहस होती है। देखते हैं जैसे ही डायरी में आग लगती है एनी की बॉडी में ना जल के आग लग के वो लगती है स्टीव की बॉडी में और स्टीव वहाँ जल के मर जाता है। दैट मीन्स जब सियांसी की प्रक्रिया हुई थी उस टाइम पे जो स्टीव था वो भी इफेक्टिव हुआ था उस टाइम पे। फिर हम देखते हैं पीटर को होश आता है, वो देखता है अपने पापा की डेड बॉडी जली हुई, वो काफ़ी अपसेट होता है। तभी देखते हैं उसकी जो मॉम होती हैं वो भी पूरी तरह से अब पोजेस्ड हो चुकी होती हैं और वो पीटर को मारने के लिए आती हैं। पीटर अपनी जान से भागता है उनसे, तभी देखता है वो अपनी ग्रैंड मदर की बॉडी देखता है और वो काफ़ी सैड हो जाता है। फिर देखते हैं वहाँ पे जो एनी होती है वो पागल होकर अपना दीवार सर पर पटकती है और तभी देखते हैं कि उसी रूम में उसकी माँ उसको दिखती है और खुद का गला काट रही होती है उसकी माँ, सब उसको दिखता है पीटर को। और वहीं देखते हैं वहाँ पे कुछ नंगे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने होते हैं और पीटर को देख रहे होते हैं। पीटर काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ पे एक विंडो होता है उसको तोड़ के नीचे घुस जाता है और जैसे ही नीचे गिरता है पीटर उसके बॉडी पे एक लाइट जलती है और यही लाइट था जो हम चार्ली के पास देखते थे हमेशा, अब वो पीटर के पास में था। दैट मीन्स कि अब पैमोन की आत्मा को फाइनली स्पेस मिल गया, जगह मिल गई है। फिर हम देखते हैं पीटर वहाँ से उठता है और जाता है वहाँ से ट्री हाउस में जहाँ पे चार्ली बैठा करती थी, जाके वहाँ पे बैठता है और वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पीटर के अंदर में जो आत्मा होती है उसकी पूजा कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं वहाँ पे एक लेडी होती है ज्वाला जो कि पीटर को एक क्राउन पहनाती है और सभी उसको जय जयकार लगाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं वहाँ पे लोग। और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, उसको सब कुछ जो भी उसका पॉइंट था उसकी ग्रैंड मदर का वो पूरा होता है और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है और मूवी वापस से कैमरा जो था जूम आउट हो जाता है। तो गाइस मूवी इतनी सी थी, सिंपल सी थी कि जिसकी ग्रैंड मदर थी वो थोड़ी साइको थी, उनको पैमोन की आत्मा डालनी थी पीटर के अंदर में और लास्ट वो कर लेती हैं सिर्फ जो उसके चक्कर में ज्वाला का यूज़ करके अपनी बेटी का यूज़ करके कर लेती है। मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। मूवी में कोई भी थ्योरी नहीं थी, कोई भी सस्पेंस इतना नहीं था और मूवी रेटिंग अच्छी है बट मुझे इतनी पसंद नहीं आई। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलूंगा आपके साथ में और आपको कोई रिक्वेस्ट करनी तो मुझे रिक्वेस्ट बता सकते हो, अपनी कोई मूवी का रिक्वेस्ट है और फिर वीडियोस को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।